गुस्सा आ रहा है ये अपने भाई बंधुओं से मिलके अपनी गैंग अब इतने सारे रोट विलर ये भाई ये देख रहे हो जेरी बड़ा हो गया बनने वाला ओए एक जो थपड़ा वो उनमें तकड़ा लग रहा था वो जो पटकी मार रहा था दूसरे वाले को तो वो था अपना जेरी। तो गाइस मैं अब जा रहा हूँ नहाने के लिए और आज चल रहे हैं हम जेरी को जेरी के पापा से मिलवाने के लिए उसके गांव जाएंगे आज हम। ये गांव थोड़ा सा दूर है बाकी जिन भैया का कॉल आया था मैंने उनसे उनकी लोकेशन ले ली है। जेरी भी अब नहाएगा और मैं भी नहा लेता हूँ और फिर चलते हैं जेरी के पापा से मिलने के लिए। बहुत सारे रोड व्हीलर्स होंगे वहाँ पे देखने का बहुत मजा आएगा। देखते हैं जेरी कैसे रिएक्शन देता है जैसी बाकी चलते हैं देखते हैं। केशव भी बहुत एक्साइटेड है केशव आ चुका है केशव नहा के आ चुके हैं पर हम नहीं नहाए अभी हम भी नहा लेते हैं फिर चलते हैं जेरी को मिलवा के लेके आएंगे जेरी के पापा से। बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए जेरी के परिजनों से मिलने के लिए एक पूर्वज गाड़ी उठाने के लिए फिर हम वापस आएंगे जेरी को ले लेंगे गाड़ी के अंदर फिर हम चलेंगे। गाड़ी के पास पहुंच गए हैं हमने अपनी गाड़ी उठा लिया थोड़ी गर्म ज़्यादा थी पड़ी तो थोड़ा एसी चला के छोड़ रखा है बस यहाँ से गाड़ी उठा के घर जाएंगे जेरी को उठाते हैं और फिर अपन चलते हैं। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं जेरी और केशव आपस में खेल रहे हैं अब हम जाने के लिए तैयार है। जेरी बहुत उत्साहित हो रहे हैं ये कप भी तैयार है सामान पकड़ लिया ये हम सब रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जेरी बहुत दम लगा रहा है। आज हम जा रहे हैं जेरी के होम टाउन में मैं आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। करीब एक साल पहले जेरी को मैं लेकर आया था घर वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि जेरी घर पर आए उनको मतलब जैसे घर वालों को होता है ना हर घर में एक होता है कि डॉग घर में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो पोटी करेगा या फिर उसके खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा भाई तुम अपना ध्यान तो अच्छे से रख नहीं पाते हो डॉग को तुम ले आओगे उसका ख्याल कौन रखेगा। तो घर वाले भाई मेरे घर में नहीं सबके घर में ऐसे ज़रूर होता है कि पेरेंट्स जल्दी से एग्री नहीं करते कि भाई डॉग घर पे लाओ या ना लेकर आओ। लेकिन आज जो है जेरी एक साल का हो चुका है और जो मेरे घर वाले जो हैं वो जेरी को मुझसे ज़्यादा प्यारी करते हैं मतलब बट मैं आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ कि मैं आज उसकी सेम जगह पर दोबारा जा रहा हूँ। जेरी भी बहुत खुश होगा अपने घर वालों से मिलकर जेरी बहुत ज़्यादा खुश होगा मुझे पता है क्योंकि मेरे को याद है जब वो वहाँ पे उसके साथ दो तीन बच्चे और भी थे जिनके साथ वो जेरी खेल रहा था तो मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है कि मतलब कि मैं उसके वहाँ पे घर पे जा रहा हूँ और दोबारा वहाँ पे मतलब उसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे कौन होगा कौन नहीं होगा वहाँ पर मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो अब हम निकल चुके हैं घर से हम सब तैयार हैं सबने अपना खाना वाना खा लिया है अब रास्ते में कहीं रुकने की हमको कोई भी मतलब टाइम वेस्ट हम कहीं भी नहीं करेंगे। अब मेरा जो दिल है वो सीधा जाते ही पहले जेरी को उसके घर वालों से मिलवाना या फिर जो भी उसके मतलब सेम वहाँ पे जहाँ से मैं जेरी को लेकर आया था वहाँ पे सारे ही रोड व्हीलर हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कि जेरी का रिएक्शन क्या रहता है जेरी अपने घर वालों को या उसके आसपास के जो भी उसके दोस्त थे भाई थे जो भी पिल्ले थे वो बड़े हो चुके होंगे वो आपस में मिलते हैं तो इसको वो चीज़ें याद आती हैं या नहीं आती। खैर जब मैं जेरी को लेकर आया था तो वो सिर्फ और सिर्फ 25 दिन का था तब मेरे हिसाब से वैसे याद तो नहीं रहता बाकी कहते हैं ना वो डॉग्स की कुछ सेंस पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है वो एक बार जिस चीज़ को स्मेल कर लेते हैं तो उनकी स्मेल वो कभी नहीं भूलते। जैसे अब एक मेरा एक फ्रेंड है वो तब मेरे घर पे आता था जब जेरी बिल्कुल एक महीने का था लेकिन अब भी वो हमारे घर पे जब भी आता है तो जेरी को एक अलग सी खुशी होती है वो इतनी तेज तेज पूंछ हिलानी शुरू कर देता है या उससे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता है ना कि मतलब अलग ही लेवल का हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ शायद इसने उसे पहचान ली है कि एक जब मैं छोटा बच्चा था तब भी वो आता था मिलने के लिए और मतलब वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि जेरी को मैं उसके गांव लेकर जाऊंगा जहां से मैं उसे लेकर आया था और उन सबसे मिलवाऊंगा और उसका एक रिएक्शन नोट करूंगा कि उसको वहां जाकर कैसा लग रहा है कि मतलब उसे भी वो चीजें याद है कि मतलब कि मैं उसे वहां पर लेने गया था तब बहुत अलग चीजें थी। जेरी फुल एक्साइटेड होके बाहर खड़ा है भाई जेरी ले रहा है फुल चिल। और एक बात और है कि जब भी मैं अपना डॉग लेने के बारे में सोचता था ना चलो मेरे घर वालों ने तो ये इस करके मना किया था कि मतलब इसकी देखभाल कौन करेगा या फिर इसका केयर नहीं हो पाएगी घर पे। तो भाई जब मैंने बोला किसी को कि मेरे को डॉग लेना है तो उन्होंने मेरे को
सजेशन ही नहीं दिया कि तू रोड व्हीलर ले ले भाई। तो भाई सबने सबके सजेशन एक ही थे, पोमेलियन ले ले भाई, भाई वो बीगल ले ले भाई, तू लेब्राडोर ले ले। मतलब सबके मन में एक डर सा बैठा हुआ था कि भाई तूने रोड व्हीलर ही क्यों लेना है। बट मेरे को थोड़ा ऐसे था कि कोई अगर भाई पहले पुराने जमाने में क्या होता था, हर घर में लोग डॉग को ना बड़े शौक से रखते थे, भाई हमारे घर की रखवाली करेगा। तो भाई अब यूं है यार, अब रखवाली के लिए ही अगर डॉग चाहिए होता है तो भाई मैं ये बीगल लेके तो क्या ही करूँगा भाई। क्योंकि अगर बंदा अगर कोई मन माने इनकेस कोई आ भी जाता है तो सबसे पहले उसको कीमती सामान ही बीगल नजर आएगा, तो वो पहले बीगल को ही उठा के ले जाएगा। तो भाई डॉग ऐसा हो भाई जो खुद की रखवाली तो करे करे और आसपास की चीजें भी संभाले। तो भाई मेरा दिल शुरू से ही ऐसे था कि कोई भी डॉग हो लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रीड होनी चाहिए, एग्रेसिव ब्रीड होनी चाहिए। बट ऐसे उसको हमको ही सिखाना पड़ता है घुमा फिर आगे कि उसको अपना एग्रेशन किस टाइम पे दिखाना है। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को मिल गया, कि मेरे को पता लग गया कि कहाँ से रोट व्हीलर मिलेगा या कहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो मेरे को अब मैं रोट व्हीलर लेकर आया, तो घर पे आने के बाद मेरे को इतने लोगों ने डराया कि मतलब भाई तू रोट व्हीलर लेकर आ गया है भाई, ये तो भाई अगर ये तो लोगों को जान से मार देते हैं भाई, ये तो किसी पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। भाई मैं पहली बार डॉग ब्रीड को लेकर आया हूँ किसी को पालने के लिए घर पे, भाई मैं शौकिया तौर पे लेकर आया था भाई, मेरे को तो जो बंदा मिले मेरे पड़ोसी हो जाए, इतने लोग भाई सारे डरने लग रहे, हाँ भाई ये तो रोट व्हीलर लेकर आया, हाँ भाई ये तो रोट व्हीलर लेकर आया। पर अब यूं होता है ना भाई, एक दो दिन बाद, पांच दिन बाद, सात दिन बाद हमको ना एक अटैचमेंट सी होने लग जाती है। तो भाई मैं अपने डॉग को लेकर आया हूँ, मैं उससे इतना ज्यादा अटैच हो चुका भाई, मैं तो इसको छोड़ भी नहीं सकता। लेकिन फिर मैंने एक अपना पहले दिन से रूटीन बना के रखा था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं इसको एक इतना सॉफ्ट हार्टेड बनाऊंगा कि मतलब इसको लगेगा ही नहीं कि ये रोड व्हीलर है। मैं पहले दिन से इसको ऐसी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि भाई जब तक चाहे इसके आगे मैं चिकन भी रख दूँ ना, और मैंने इसको मना कर दिया कि भाई तूने चिकन नहीं खाना, तो भाई इसकी ये बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ अपने खाने को हाथ ही नहीं लगाएगा जब तक मैं इसे कमांड ना दे दूँ कि भाई तू अपना खाना खा ले। मैंने उसे हर एक चीज वो सिखाने की कोशिश की है जिससे कि भाई ये अपना एग्रेशन कंट्रोल कर सके। यूं नहीं है कि कोई भी आता जाता घर में आ रहा है तो भाई उसकी टांग पकड़ ली, भाई मैंने उसे बहुत चीजें सिखाई है। मैंने इसको हर वो चीज सिखाने की कोशिश की है जिससे कि भाई मैं अपने डॉग को उतना ट्रेन कर पाऊं जिससे लोग डरते हैं भाई उसके। भाई एग्रेशन चलो ठीक है वो ब्रीड खतरनाक है, लेकिन भाई हर डॉग वैसे नहीं होते हैं, कुछ हमारा भी नेचर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे रख रहे हैं। या मैं वो एक एक चीज एक लाइन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मेरे को हर जो भी ब्रीडर था या फिर जो जिसने अपने घर पे डॉग रखा हुआ है उसने मेरे को एक ही लाइन बोली, भाई आपका डॉग वही बनता है जो आप उसे बनाना चाहते हो। भाई ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी अब मैं लैब्राडोर घर पे ले आऊं तो भाई वो बदमाश बन जाएगा या वो सबको काटता फिरेगा, वो भाई हमारे ऊपर होता है रखने का कि मतलब कैसे हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, कैसे हम उसे रख रहे हैं। अब भाई अगर मैं अगर बिल्ली को सारा टाइम कुत्तों के साथ रख दूंगा तो बिल्ली भी भौंकने लग जाएगी। तो भाई ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम एक अपने उसको डॉग को कैसे ट्रीट कर रहे हैं या कैसे उसे अपने घर में रख रहे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। जैसे जैसे मैं रास्ते में जाता जा रहा हूँ ना तो मेरे को वही पुराना एक साल पहले की रोड याद आ रहा है, जैसे जब जेरी इतना सा था पड़ा। मेरे साथ एक दोस्त था पड़ा राहुल, उसने क्या कर रखा था, उसको अपने गले पे रख रखा था और जेरी बार बार जो क्या कर रहा था चढ़ चढ़ के ना उसके गर्दन से इधर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे को बिल्कुल सारी चीज़ें रिवाइंड हो रही है कि मतलब मैं यहीं से टप रहा था तो वो जेरी, हम डिसाइड करते हुए जा रहे थे कि हाँ भाई इसका नाम क्या रखना है, हम वो बार बार मुझे सजेस्ट कर रहा था कि मतलब कुछ खतरनाक सा नाम रख, तेरे पास रोड व्हीलर है, और मैं कह रहा था नहीं यार रोड व्हीलर है तो क्या हो गया, मैं इसका कुछ प्यारा सा ही नाम रखूँगा, मैं कुछ अपना खतरनाक नाम नहीं रखने वाला। तो मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब मेरे को सारी चीज़ें रिवाइंड हो रही है दोबारा से, और बिल्कुल मेरे को सारी यादें मेरी ताज़ा हो रही है भाई यहीं पे एक साल पहले मैं लेके आ रहा था, जेरी छोटा सा था एक साल पहले, मेरे को आज भी याद है हम जब आए थे तो हम सोच रहे थे कि रात को 12 बजे का टाइम हो चुका था जब मैं जेरी को वापस लेके जा रहा था, और रात को कम से कम भी टाइम हो चुकी थी 12, और मेरे को घबराहट हो रही थी कि इस टाइम पे घर वाले मेरे को क्या रिएक्शन देंगे और बोलेंगे कि भाई नहीं तू क्यों लेके आ गया, इसको वापस छोड़ के जा, जहाँ से लेके आए इसे वापस वहीं छोड़ के आ। तो
मेरे को तब से घबराहट हो रही थी, लेकिन घर जाए बाद सारे सोए पड़े थे और मैं भी अपना मस्त हो गया। और उसके बाद सुबह उठा था, पापा जैरी के साथ मस्त खेल रहे थे, तो मतलब सही था। बाकी रास्ते मेरे को हर एक 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 कदम पे जैसे मैं चल अपने बढ़ता जा रहा हूँ और मैं अपने रास्ते में उनकी तरफ पहुँचने वाला हूँ, तो मेरे को एक एक चीज़ रिमाइंड हो रही है कि उस टाइम जब मैं वहाँ पहुँचा भी था ना, तो वहाँ पे जैरी के साथ एक और पिल्ला था, जो दो पिल्ले आपस में खेल रहे थे और एक दूसरे को उट्टा पटके मार रहे थे। तो जब मेरे को बोला गया कि राहुल बोला कि भाई देख भाई इनमें से कौन सा तेरे को बढ़िया लग रहा है, बढ़िया तो खैर दोनों लग रहे थे, लेकिन एक जो थपड़ा वो उनमें तकड़ा लग रहा था, वो जो पटकी मार रहा था दूसरे वाले को, तो वो था अपना जैरी। इसलिए मैं जैरी को लेकर आया था। सिर्फ और सिर्फ एक मिनट का रास्ता रह चुका है, हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल भैया के घर के बाहर और हम वेट कर रहे हैं भैया आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, एक आधे ने भी भाई पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी आ चुके हैं, ये एंट्री कर रहे हैं। और कैसे हो भैया? भाई बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे डॉग्स हैं। ये ले पकड़ियो, ऐसे वीडियो चल रही है, डॉग्स दिखाइए सारे भाई, देख कैसे रिएक्शन। जेरी को दिखा, जेरी को दिखाओ यार, जेरी ओ बेटे, जेरी का रिएक्शन देखिए, गुस्सा आ रहा है। ये अपने भाई बंधुओं से मिलके अपनी गैंग, भाई साहब भाई तो बढ़िया चीज है। अब इतने सारे रोट व्हीलर, भाई साहब फुल सेक्सी, फुल सेक्सी कुछ, ओए 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 ओए, ओ भाई साहब बहुत खतरनाक भाई, ये वाला बहुत सेक्सी लग रहा है। ये तो बापू इसका, अजा ओ बाप जेरी का, ये तो बापू इसका, ये भाई ये देख रहे हो जेरी बड़ा हो गया बनने वाला। ओए तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।